एक बार कुछ पुराने मित्र कॉलेज छोड़ने के कई वर्षों बाद मिले थे। उन्होंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मिलने के बारे में सोचा। वे अपने प्रोफेसर के घर गए। प्रोफेसर ने उनका स्वागत किया और वे सभी बातें करने लग गए। प्रोफेसर के सभी छात्र अपने अपने करियर में सफल थे और आर्थिक रूप से सक्षम थे। प्रोफेसर ने सभी से उनकी जिंदगी एवं करियर के बारे में पूछा। सभी ने यही कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी ने कहा कि भले ही वे आज अपने करियर में सफल हैं, लेकिन उनके स्कूल और कॉलेज के समय की जिंदगी आज की लाइफ से कहीं ज्यादा अच्छी थी। उस समय उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा तनाव एवं काम का दबाव नहीं था। प्रोफेसर ने सभी के लिए चाय बनाई। प्रोफेसर ने कहा कि मैं चाय तो ले आया, लेकिन सभी अपने अपने कप अंदर रसोई से ले ले। रसोई में कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी रसोई में गए और रसोई में पड़े बहुत सारे कपों में से अपने लिए अच्छे से अच्छे कप लेकर आ गए। जब सभी ने चाय पी ली, तब प्रोफेसर ने कहा, मैं आप लोगों को आपके जीवन की सच्चाई बताता हूँ। आप सभी रसोई में से सबसे महंगे और शानदार दिखने वाले कप उठाकर ले आए हैं। आप में से कोई भी अंदर पड़े साधारण एवं सस्ते कप नहीं लेकर आया। प्रोफेसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे शिष्यों, कप का उद्देश्य चाय को उठाना होता है और ज्यादा महंगे एवं अच्छे दिखने वाले कप चाय को अधिक स्वादिष्ट नहीं बना सकता। हमें अच्छी चाय की आवश्यकता होती है, न कि महंगे कप की। तो हमारी लाइफ भी इन चाय की तरह ही होती है और नौकरी, पैसा एवं समाज में इज्जत इन कप की तरह होती है। नौकरी और पैसा हमारे जीवन के लिए आवश्यक जरूर है, लेकिन यह जीवन नहीं है। कभी कभी हम लोग अधिक महंगे और अच्छे दिखने वाले कप के चक्कर में पड़कर चाय को भूल जाते हैं। जिस तरह चाय का स्वादिष्ट होना कप पर नहीं बल्कि चाय की गुणवत्ता एवं चाय बनाने के तरीके पर निर्भर करता है, उसी तरह हमारे जीवन में खुशियां पैसों पर नहीं बल्कि हमारे संस्कारों और हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। तो यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हम अपने जीवन में पैसा और इज्जत कमाने के चक्कर में अपने जिंदगी को जीना भूल जाते हैं, जबकि जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही असली मकसद नहीं है, बल्कि हमें पैसा और इज्जत के साथ साथ अपनी खुशी और छोटे छोटे पलों का आनंद लेना भी चाहिए। हमें अपने माँ बाप और परिवार के साथ समय बिताकर उस समय का आनंद लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का मकसद आप सब समझ गए होंगे। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।